हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं टू पार्ट्स एंड फोर। तो ये हमारे पास एस्प्रेसो गाड़ी है और इसमें ये लगा है म्यूजिक सिस्टम हारमन का, और इस म्यूजिक सिस्टम को हम जा रहे हैं अपडेट करने, जो कि लेटेस्ट वर्जन आया है D921। और इसका हम वर्जन चेक करेंगे। तो इसका वर्जन चेक करने के लिए करना क्या होगा, इसके लिए करना होता है हमें, ये हमारा है म्यूट का बटन और ये है सेटिंग का बटन, सॉरी सेटिंग का है। तो इन दोनों को हमें टच करके रखना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये डीलर मोड खुल गया है, और इसमें आप नीचे चेक करेंगे तो ये पोर्शन हमारा आ रहा है सॉफ्टवेयर वर्जन में। सॉफ्टवेयर वर्जन में आ रहा है 1910.1। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट है। तो इसके बाद जो हमारा नया वर्जन आया है वो हम करेंगे, और ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये हाइड है, ये सारे के सारे हमारे अनहाइड दिख रहे हैं, कलर ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसमें कम ब्राइटनेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे बेसिकली इसमें तो कुछ टच का काम नहीं है, ये लगा हुआ है वर्जन वाला। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लगाएंगे पेन ड्राइव, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर अपडेट वाली है, उसे हम डालेंगे इसमें। तो ये हमारी है पेन ड्राइव है, जो कि इस वाले पोर्शन पे लगानी होगी, ये वाले पोर्शन पे हम लगाएंगे। तो जैसे ही हम इसमें लगाएंगे तो ये जो अपडेट हो जाएगा, तो ये जैसे ये हाइड आ रहा है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन, ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं पास से भी, इसमें ब्राइटनेस कम है। तो ऐसे हम जा रहे हैं पेन ड्राइव लगाने, पेन ड्राइव लगा दी है और ये यूएसबी कनेक्ट हो गई है, इसे करते हैं हम ओके और वेट करते हैं। और बेसिकली सबसे पहला ये रहता है इसके लिए कि जब ये आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें तो ये डोर सारे बंद होने चाहिए, डोर ओपन नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है पहली। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है, पहले जैसे जब तक हमने ये लगाया नहीं था पेन ड्राइव, तो ये वाला हमारा हाइड था, अभी हम पेन ड्राइव लगा दिए तो ये अनहाइड हो गया है। ये वाला ऑप्शन में आप देख सकते हैं अभी पास से। अब इसे क्या करेंगे, हम टच करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जो ये वर्जन है अपडेट के लिए, तो इसे हम अपडेट करें। तो ये देख सकते हैं MD0921 वर्जन है, इसे हम अपडेट करेंगे, अपडेट पर क्लिक कर दिया है। तो ये हमारा अपडेटिंग चालू है। तो ये लगभग 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है, तो ये अपडेट होता रहेगा। तो अभी हम इसे हाइड कर देते हैं, ये अपना हमारा अपडेट हो जाएगा। तो जैसे अपडेट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और बेसिकली ये अपडेट्स उसके लिए हैं, जैसे कि आपका म्यूजिक सिस्टम हैंग हो रहा है या फिर रिस्पांस आपका म्यूजिक सिस्टम का स्लो है, तो उन सबको इन्हांस करने के लिए ये अपडेट है। तो अगर आपका म्यूजिक सिस्टम हैंग हो रहा है तो उसमें म्यूजिक सिस्टम में कोई इशू नहीं आता, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का इशू रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर आप अपडेट करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो वैसे अपडेट आपके लिए करने के लिए क्या करना होगा, अपडेट करने के लिए आपको नियरेस्ट जो भी सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे आप विज़िट करोगे। अगर ये आपका म्यूजिक सिस्टम में सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेटेड नहीं है तो आप वहाँ विज़िट करिए और उनको बोलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, तो अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो ये अपडेट कर देंगे। अदरवाइज़ अपडेट अवेलेबल नहीं होगा तो वो किस कहीं अपने TSM से लेके या फिर जो भी हारमन कंपनी वाले हैं उनसे लेके ये अपडेट कर देंगे आपका म्यूजिक सिस्टम। ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें आपको दिखेगा
इस तरह से कुछ ये अपडेट होता है। और जब ये आपका फुल्ली अपडेट हो जाएगा तो आपको पेन ड्राइव निकालनी है और 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको इग्निशन ऑफ करके छोड़ना है। जब आप 10 से 15 मिनट के लिए इग्निशन ऑफ करके छोड़ देंगे तो उसके बाद ये आपका पूरा प्रॉपरली जो भी फंक्शनिंग होती है इसकी अपडेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप म्यूजिशम यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट होने के बाद ही इसे ऑन करना है। ये देख सकते हैं हमारा ये तो ये ऑन हो गया है। अब हम इसका चेक करते हैं। दोनों को टच करके रखना है। वन मिनट रुक जा भाई। आएंगे होम स्क्रीन में। ये खुल गया है और यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट वर्जन। अपडेट वर्जन ये हमारा आ गया है और ये आप देख सकते हैं अब ये हाइड है। तो इसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन आएगा फिर हम अगर पेन ड्राइव लगाएंगे तो इस समय ये फिर से हो जाएगा, हमारा अपडेट का आने लगेगा ऑप्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।